भने तपाईँहरू धेरै हाल्नुभयो। अब यो रस्ते का हालत ऐसा है, देखो अब जो देख सकते हैं, ये मेरा अपना घर है। बहुत आदमी को मारा, बहुत आदमी देख। मैं निकल गया गोरखा के लिए, निकल गया हूँ। तो गोरखा का जो भी मतलब सीन वगैरह है वो आप लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और जो हम लोग गोरखा जा रहे हैं तो जो आप लोगों को मालूम ही होगा, वो बहुत फेमस मंदिर है, मनकामना मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है मनकामना मंदिर। वो मनकामना का जिला, जो मनकामना जो मंदिर है वो हमारे ज़िले में पड़ता है, जैसे गोरखा ज़िले के अंदर पड़ता है। इतना ठीक तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बोलने की, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इतना अच्छा तो है नहीं, फिर भी आप लोग समझ पाओगे। और जो भी हिंदुस्तान में, इंडिया में जो भी जितने भी दोस्त लोग देख रहे हैं ये मेरा ब्लॉग, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है, पूरा देखना। क्योंकि अभी मैं रास्ते का एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो पोखरा से मैं निकल गया, गोरखा के लिए निकल गया हूँ। उजाला हो रहा है अभी, ये रास्ते का हालत ऐसा है देखो अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे बन रहा है देखो। और मुझे अभी और 100 किलोमीटर के आसपास है, 95 किलोमीटर और आगे जाना है। और ये मेरा गेटअप देख सकते हैं आप, देखिए। और ये सब और ठंड की वजह से, मतलब जो सुबह का मौसम में जो मतलब क्या बोलते हैं, शबनम की वजह से ये देखो पूरा भीग गया है। और ये मेरा गेटअप, ये हेलमेट में देख सकते हैं आप, पूरा पानी और ये सब मैंने पहन रखा हूँ। और शू कवर ये देखो, ये ठंड से बचाता है देखो, ठंड से, धूल से, सब जगह से बचाता है। और ऊपर से मैंने सब जैकेट के ऊपर रेनकोट पहना हूँ। ये है मेरा बसंती, इसका हालत क्या हो गया रे, देखो भाई देखो। अभी पंजा ग्लव्स मैंने अभी एक पतला सा, क्योंकि ये मोटा ग्लव्स से काम नहीं चलता भाई, क्योंकि ठंड से एकदम जकड़ जाता है, ठंड में एकदम जकड़ जाता है। उसकी वजह से मैंने दूसरा एक और ग्लव्स पहना है पतला वाला अंदर, और इसके ऊपर ये बाहर का एक ग्लव्स पहना हूँ। ये ठावला क्या बनता भाई, सेराफांट। सो गाइस, इस जगह का नाम है सेराफांट। 6:30 हो चुका, तो थोड़ा बहुत उजाला होने का मतलब उजाला होने का कोशिश हो रहा है। एकदम बाइक एकदम जल्दी चला नहीं पाया, थोड़ा आराम से चला पाया हूँ। और अभी मैं बाइक में माउंट में रख के मैं वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो मतलब शबनम की वजह से एकदम ये पूरा शीशा वगैरह सब शीशा में लग जाता है, तो मतलब वीडियो क्लियर नहीं आएगा। तो अभी मैं हो सकता हूँ तो ऐसा रुक के थोड़ा बहुत करूँगा, और जब ये शबनम वगैरह जब रुकेगा एकदम उजाला, थोड़ा बहुत धूप लगने लगेगा, तो मैं आपको वहाँ से मतलब फिर दिखाऊँगा, ठीक है गाइज। तो गाइज अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ, और मैं ये जो जगह है, ये जगह का नाम है देवराली। और यहाँ से खैरेनी लगभग आधे घंटे के बाद पहुँच जाएंगे। और मैं यहाँ पे नाश्ता के लिए रुका हूँ, और नाश्ता यहाँ पे एकदम बढ़िया सा नाश्ता मिल जाएगा। और अभी भी बाकी है, 8 बज चुका है, सुबह का 8 बज चुका है। और ये जो देख सकते हैं आप देखो, और इस होटल में नाश्ता वगैरह सब बढ़िया सा मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं। ये अंडा वगैरह, ये रोटी वगैरह, पकौड़ा, चाय वाय सब मिल जाएगा। मैं पहुंच गया हूँ आबू खैरनी, जो पड़ता है पोखरा से, पोखरा और काठमांडू के एकदम मिडिल में पड़ता है। और गोरखा के लिए यहीं से हम लोग चेंज करना पड़ता है ट्रैक। तो दोस्तों ये अभी संतरे का एकदम मेला चल रहा है भाई, देखो देखो भाई संतरे का मेला, तो अभी संतरे का सीजन है भाई। अब देखो ये अपना ये जो संतरा है, ये गोरखा का एकदम फेमस संतरा है। यहाँ पूछता हूँ बहनी, खाता सा खाता कति कति खा ले सा? त्यो त पोखरामा 35 पाउँछ त होइन, मैले लिएर आएको छु कि, देखाइदिउँ अर्कोमा छैन कलरमा, मलाई नपुगेर हो कि, मैले पोखरामा 35 किनेको हो, त्यही भएर भनेपछि तपाईँहरूले धेरै हाल्नुभयो।
कति भयो 250 पाँचवटा छ ल ठिक छ अभी देखो भाई मैंने खाता ले लिया ये जो खाता है ये आप लोगों को तो पता ही होगा सम्मान के लिए जो मतलब शादी में जो मतलब दुल्हा दुल्हन है उनको मतलब ओढ़ा जाएगा ओढ़ा दिया जाएगा मैंने तो ले लिया था और अपनी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी माँ ने फ़ोन किया कि बोले कि खाता भी लेके आओ बेटा तब क्या करेगा खाता तो लेके जाना ही पड़ेगा तो मैंने माँ ने ऑर्डर दे दिया अभी देखो भाई अभी मैं बैग में डाल रहा हूँ मेरे बैग का हालत ख़राब देखो भाई मामला ख़राब है अभी इसमें मैं डाल रहा हूँ जैसे कैसे भी क्या करेगा भाई जगह तो है नहीं एकदम थैलम थैली है भाई मेरा बैग जो ब्रिज है ये मतलब ये जिले होता है एक जैसे मतलब होता है ना आप लोगों का हिसाब से जैसे उत्तर प्रदेश यूपी ये वगैरह होता है ना जैसे हमारा भी यहाँ पे होता है गोरखा ये गोरखा लमजुंग तनहू वगैरह जो इस ब्रिज से पहले जो इस ब्रिज के पीछे है जो है तनहू और जैसे ये जो अभी रिवर देख रहा है ये रिवर के आगे है वो मतलब गोरखा जिला गोरखा मतलब जिला पड़ता है मनकामना मंदिर जो है मतलब केबल कार से लोग जाते हैं ऐसे बात नहीं है जो यहाँ से इस तरह से जो मतलब गाड़ी का रास्ता है जैसे थोड़ा बहुत चढ़ाई है और मतलब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो मतलब छोटा मोटा गाड़ी जैसे बिना फोर व्हील का थोड़ा मुश्किल है जाने के लिए तो जैसे आप लोग बाइक में वगैरह आते हैं तो मतलब यहाँ से आराम से जा सकते हैं और इस ब्रिज के बाद जो है गोरखा ज़िला जैसे यहाँ से मतलब जैसे मैं यहाँ से चल दिया जैसे हो गया ये अभी गोरखा ज़िला जैसे होता ना मैं यहाँ पे 14 किलो जो इस जगह का नाम है 14 किलो यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और हाईवे से थोड़ा ऊपर है मेरा अपना घर तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे अपनी माँ इंतज़ार कर रही होगी देख सकते हैं ये मेरा अपना घर है और मेरे पिताजी वहाँ पे आ रहा है जो मेरा पिताजी है पहले इंडियन आर्मी रह चुका है और अभी रिटायर्ड है तो थोड़ा बहुत कान ओह माय गॉड मैं भी थक चुका हूँ और कान में थोड़ा सा समस्या है तो हाँ अभी देख थोड़ा आप अब हिंदी बोल चुका भूल गया कि बोलना भी आता है अभी भी आता है ना तो आप क्या कहेंगे इनको देख के इंडियन वाले भी देख रहे हैं आप लोगों को ठीक है आपका इंडिया में कितना साल नौकरी किया आपने 15 साल किया 15 साल बस हाँ और उसके बाद छोड़ दिया मतलब पेंशन आ गया तो अभी आपने लड़ाई वगैरह भी किया लड़ाई भी किया आपने किया हाँ तो आपने कितने आदमी को मारा गिराया कितना तो मालूम है नहीं बहुत आदमी देखो भाई ये देखो मेरा पिताजी देखो भाई इंडियन आर्मी में रह चुके और बहुत लोग आदमी को मारा गिरा पड़ा है दुश्मन को मारा अच्छा आदमी को नहीं मारा दुश्मन को अभी देखो आपका ये जो है ना ये सब जो आप बोले हैं 72 साल में 71 साल 72 साल आपका उम्र वो टाइम में कितना होगा वो टाइम में आपका उम्र कितना था वो टाइम में तो आपका उम्र कितना है अभी नहीं वो टाइम में आपका उम्र क्या में तो 34-35 वर्ष उम्र
34-35 साल का था। अच्छा तो ठीक है ठीक है। तो समुद्र में भी लड़ाई किया? समुद्र में भी? क्या समुद्र में? समुद्र में, समुद्र में मतलब जहाज में जाके लड़ाई किया? जहाज। ये देखो भाई साहब, भाई लोग अभी देखो, हमारा पिताजी समंदर में जाके भी लड़ाई किया है। देखो समंदर में जाके कितना मतलब कैसा उधर ही सोया खाया पिया? हाँ एकदम से। कितना जात बहुत जात गया था कभी। हाँ कभी एक लाइन में जाता था, कभी बात ऐसे लाइन में जाता था। हाँ बहुत बहुत तकलीफ किया मतलब मुसीबत में मतलब लड़ाई किया। मतलब वो टाइम में खाना वगैरह मतलब मिलता था? खाना पीना? खाना भी उधर ही मिलता था। हाँ ठीक है, खाना मिलता था। तो ठीक है, तो आप पेंशन आके मतलब पेंशन आके कितना साल हो गया? पेंशन आके पेंशन आके कितना साल हो गया आपको अभी? हाँ पेंशन आने के बाद कितना साल हो गया? अभी तो 40, 42, 43, 44, 45 कितने वर्ष हो गया। अच्छा तो आपका उम्र क्या है अभी? अभी 81। 81। देखो भाई हमारा पिताजी का उम्र है 81। तो आप लोग सोच रहे होंगे, देखो आप लोग, मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि मतलब इंडियन जो मतलब हिंदी जो हिंदी समझते हैं उन लोगों को भी मतलब ये संदेश है कि ये हमारा पिताजी है। तो आप लोग को लड़ाई का वो मतलब मेडल वगैरह दिया आपको? मेडल लेना था, मेडल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया मेडल? हम पेंशन आ गया, पेंशन के बाद दिया था वो। तो मतलब मेडल लेने का मौका नहीं मिला? अच्छा तो देखो भाई मतलब जो पेंशन आ गया था उसके बाद मेडल देना दिया, तो मतलब पिताजी पेंशन आने के बाद मेडल दिया, तो मेडल पिताजी के नसीब में नहीं था, है ना? जो मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं सब इंडियन वाला भी देख रहे हैं। तो हिंदुस्तानी जो भी भाई लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे? आप कहेगी मेरा बेटा जो वीडियो बना रहा है, आप लोग सब लोग जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलो बोलो लाइक लाइक सब्सक्राइब 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 सस सर सब्सक्राइब 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 कर दीजिए, बोलो दीजिए कर दीजिए, बोलो ना कर दीजिए। ऐसा करो।